आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। चंबा, अमृता चौधरी। मोतला पंचायत में भारी वर्षा से हुआ काफी ज्यादा नुकसान, जिसमें लोगों के घर तबाह हो गए और मोतला पंचायत का स्कूल जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त व नष्ट हो गया, और यहां के स्थानीय लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी कोई भरपाई नहीं की गई है मौजूदा सरकार द्वारा, और साथ में यहां के स्थानीय लोग जिनके घर इस भारी वर्षा की बाढ़ में बह गए हैं, उन घरों का नुकसान जो हुआ है उनको किसी तरह से कोई भी धनराशि की राहत सरकार द्वारा नहीं दी गई है, और ना ही स्कूल की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा कोई उचित कार्य किया जा रहा है। यह कहना बिल्कुल सही होगा कि सरकार ने इस भारी नुकसान के ऊपर अपनी आंखें बंद कर रखी है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उद्घाटन करने में व्यस्त है, और इस तरह का जो जान माल का भारी नुकसान हुआ है उस पर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने में व्यस्त है और आम जनता की तरफ देखना उनको गवारा नहीं है। मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे पूरा ही सैन पानी है, यहाँ पे देखें पानी की नीचे लहरें दिखाई दे रही हैं, पूरा पानी है यहाँ, पूरा ये खिड़की के माध्यम से यहाँ से पानी है, और पूरा 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 हलक मलबा, और ये साथ में इंचार्ज के साथ एक कमरा और लगता है, और इस कमरे में इतना ज़्यादा मलबा है कि जिसका विश्लेषण करना बहुत ही मुश्किल है। बुरी हालत है इस कमरे की, इतना अच्छा स्कूल था और ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से फ्लड आया, क्योंकि ड्रेन वर्क नहीं हुआ और जिसके चलते पूरा का पानी मलबा यहाँ स्कूल के अंदर इकट्ठा हो गया, और इतनी की बुरी हालत है इस टाइम इस स्कूल की। हाँ दिखाते हैं, और इतनी बुरी हालत है स्कूल की जहाँ पे बच्चों का बैठना मुश्किल नामुमकिन हो गया। यहाँ पे मैं दूसरा रूम है, यहाँ पे क्लासरूम है बच्चों का, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, तो ब्लैक बोर्ड से मैं नीचे आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आज तो 5-6 दिन हो गए हैं तो काफी कम हो गए, तो ये देखो लाइन दिख रही है पानी की, तो इस लेवल का पानी जो था वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ था, जो ये शाम पर आपको देख रहा है उसके लेवल का, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के लेवल का पानी इकट्ठा हुआ था, तो वो खिड़कियों से और बेंच वगैरह देखें तो पूरे के पूरे जो बेंच हैं बच्चों के वो पूरे के पूरे मलबे से भरे हुए हैं, और जिसका क्या कह सकते हैं, सिर्फ इसके लिए सिर्फ सरकार को ही हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस तरह से मैनेजमेंट की यहाँ के बच्चों के लिए और यहाँ के रोड के लिए, कि जिसके चलते पूरा का पूरा स्कूल ही क्षतिग्रस्त हो गया, और ये स्कूल मुझे लगता कि आने वाले टाइमों में इतनी अच्छी तरह से बन पाएगा, और 4 तारीख को अब छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, 4 तारीख से स्कूल लगेंगे तो बच्चों का यहाँ बैठना मुमकिन ही नहीं, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ देख के तो बहुत ही दुख की बात है, लेबर यहाँ पे कंटिन्यू लगी हुई है और लेबर को भी ये मलबा निकालने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है, और ये एक दरवाजा एक ऐसा है जो तो बिल्कुल स्कूल का बंद हो चुका है, क्योंकि मलबे के कारण बंद हो गया है। मलबा देखें यहाँ पे तो पूरा का पूरा मलबे से बेंच धंसे हुए हैं यहाँ पे, तो दरवाजा जो अभी पूरा बंद हो गया है, तो ये खुल नहीं रहा है, और साथ में एक ये कमरा है, ये थोड़ा बहुत अभी इसका मलबा बाकी है, तो कहीं ना कहीं लगातार यहाँ के जो लोकल बंदे हैं वो भी यहाँ खुद आकर अपने बच्चों के लिए जो है वो स्कूल का साफ सफाई कर रहे हैं बिना किसी पैसे के, बिल्कुल निःशुल्क होके, वो गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चे के स्कूल के भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पे होती तो ऐसा दृश्य देखने को मोतला पंचायत वालों को नहीं मिलना था, ना स्कूल में ना अपने घरों को। तो इसी के साथ मैं ज्यादा ना कहता हुआ, जय हिंद जय भारत, राहुल रणपतिया, आम आदमी पार्टी।